कोरबा जनपद पंचायत कार्यपालन अधिकारी एसएस रात्रे के खिलाफ जनपद उपाध्यक्ष के बाद अब पंचायत सचिवों ने मोर्चा खोलते हुए हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सचिव संघ की मांग है कि जनपद सीईओ को अन्यत्र स्थानांतरण जल्द किया जाए। एक सप्ताह में मांग पूरी नहीं होने पर सचिवों ने काम बंद कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की चेतावनी दी है। प्रदेश पंचायत सचिव संघ कोरबा ब्लॉक इकाई ने जनपद सीईओ पर अभद्र व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में लिखा है कि संघ के कई सचिवों का बार बार वेतन रोककर उन्हें परेशान किया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा सचिवों के खिलाफ झूठी शिकायत करा जाँच के आदेश सीईओ द्वारा दिए गए हैं। झूठी शिकायत की आड़ में सचिवों को परेशान किया जा रहा है। हम आपको बता दें, इससे पहले जनपद पंचायत कोरबा की उपाध्यक्ष कौशल्या देवी वैष्णव ने सीईओ की शिकायत मुख्यमंत्री तक की थी। मामले की शिकायत पर राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया था। हमारे सचिव संघ ब्लॉक इकाई कोरबा की ओर से जो समस्या है उनके हमारे बीच में जो बैठक में समस्या बताए हैं उन्हीं को हम लोग कलेक्टर महोदय के यहाँ सौंपने के लिए आए। क्या मांगे हैं? क्या मांगे हमारे जनपद सीओ के द्वारा अभद्र व्यवहार और निर्माण कार्य के संबंध में वेतन रोकने का बात करते हैं बार बार धमकी देते हैं और साथ में कई सचिवों से ये उनको ट्रांसफर करने का भी सस्पेंड करने का भी बात करते हैं। अभी आप लोग मांग पत्र जो रखे हैं, अगर इस पर मांग आप लोग की पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति आपका क्या रहेगा? काम बंद कलम बंद करके हम लोग धरना प्रदर्शन। इसमें आपको समर्थन का आपके जिला अध्यक्ष से भी मिला है क्या? जिला अध्यक्ष जी से भी समर्थन मिला। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट।